अच्छा और जीरा दोस्तों। तो चलिए फाइनली देखिए खीरे में छौंक लगा ले रहे हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों खीरा की चटनी और भात लग गया। तो चलिए हम टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं दोस्तों। और ये देखिए खीरा की चटनी भात। तो दोस्तों आप सभी भी आइएगा खाने के लिए और खा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए हम खीरा की चटनी और भात खा लेते हैं। तो बहुत ही मस्त बना है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागत है सोनू फैमिली ब्लॉग चैनल में और मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सुबह की शुरुआत हो गई है। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज क्या रहेगा, चलते हैं पहले हम लोग आंगन वगैरह झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए गीता जी आंगन में झाड़ू लगा ले रही है दोस्तों। और ये वाला देखिए दोस्तों आम वाला पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इसे छोड़ दे रहे हैं, बढ़ेगा तो फल लेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों चावल बोले रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों आंगन अच्छी तरह से गीता जी झाड़ू लगा लिए दोस्तों। और चावल देखिए धो के रख लिए थे पहले और अदहन हो गया है दोस्तों। तो चलिए चावल को देते हैं दोस्तों। चावल डाल दे रहे हैं दोस्तों। चलिए भात दे दिए सीजने के लिए और चलते हैं खीरा को छीलते हैं दोस्तों। और खीरा की चटनी आज का रेसिपी में रहेगा। तो चटनी बनाएंगे दोस्तों कच्चे खीरे से। देखिए आग बुझ गया है दोस्तों। तो गीता जी देखिए हम लोग का जमीन में चूल्हा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों चावल दे दिए सीजने के लिए, चूल्हा पर चढ़ा हुआ है। और चलते हैं खीरा निकाल लेते हैं, एक पीस बचा है दोस्तों, बाकी खीरा बच्चे सब खा गए। ये देखिए एक पीस है दोस्तों खीरा और एक पीस प्याज डालेंगे और मिर्चा डालेंगे दो तीन पीस दोस्तों। चलते हैं बाहर। अब ये देखिए दोस्तों लहसुन को छील ले रहे हैं पहले, निकाल ले रहे हैं दोस्तों। और मिर्चा है हरा वाला और एक पीस प्याज ले लिए हैं। और कच्चे खीरा का चटनी बनाएंगे तो एक देखिए एक पीस हरा भरा बाजार से लाया था दोस्तों, तो इसी को छीलेंगे अभी। चलिए दोस्तों खीरा को छील लेते हैं। और देखिए गीता जी अच्छी तरह से धो लिए और इसे छील लेंगे दोस्तों। छीलिए जी, इसका निकाल लीजिए। हाँ तो चितापन रहता है दोस्तों, निकाल एक बार और काट लीजिए। चलिए तो चलिए खीरा को छील लेते हैं दोस्तों। मस्त लगता है दोस्तों चटनी खीरा का, कच्चे खीरे के सलाद भी खाया जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग चटनी बनाएंगे। अब ये देखिए गीता जी खीरा को छील लिए दोस्तों, काट लेते हैं। देखिए छोटा छोटा पीस बना रही हैं क्योंकि पीसने में आसान पड़ेगा दोस्तों, शर्माती है दोस्तों, इसीलिए धीरे धीरे बोलने के लिए सीख जाएंगे। ये भी कैमरा के सामने डरती है, हर कोई डरते हैं दोस्तों कैमरा के सामने ऐसे। दोस्तों कटल हो गया, ले चलो। देखिए दोस्तों खीरा काट लें, प्याज भी काट लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों खीरा कटिंग हो गया, प्याज को कटिंग कर ले रही हैं। और इसके बाद सिलोट पे चलेंगे और चटनी को पीसेंगे दोस्तों। तो चलिए जी काटिए, फटाफट काटिए। तो चलिए प्याज भी कट गया दोस्तों फाइनली। और उधर में देखिए चावल बन रहा है दोस्तों भात। देखिए हम लोग का चूल्हा इस प्रकार का है। चलिए फाइनली अभी देखिए सिलोट के पास गीता जी आ गए। तो
चलिए सिलोट को धो ले रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सिलोट को अच्छी तरह से धो ली है गीता जी और नमक दे दिए है 1 से 1.5 चम्मच। और चलिए अब खीरा का सामग्री सभी कटिंग होकर तैयार हो गया है, तो चलिए दे रही है। प्याज है, मरचा है हरा वाला, और खीरा दोस्तों 1 पीस। तो चलिए अब चटनी को पीसना गीता जी शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खीरा की चटनी बना रहे हैं, आप सभी भी आइएगा दोस्तों, ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, फाइनली खीरा की चटनी एकदम गीता जी कितना मस्त एकदम सिलवट पर पीस रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही मस्त लगता है गर्मी के समय में, पेट ठंडा रखता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग खीरा की चटनी पीस के और खाएंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, खीरा की चटनी पिसा गया है और एक बार और बारीक करेंगे दोस्तों। और हम लोग सिलवट पे ही यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि मिक्सी हम लोग के पास नहीं है, तो आप से भी ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग के पास मिक्सी भी हो जाएगा दोस्तों। और मेरा तबीयत आज ज़्यादा ख़राब हो गया था दोस्तों, रात में ही सूर्यदारा सब चढ़वाया है, दवा भी लिए हैं। तो चलिए खाना खा के दवा भी खाएँगे दोस्तों। और इधर चटनी पिसा चला है। और ये देखिए दोस्तों, खीरे का चटनी फाइनली गीता जी पीस लिए, उठाइए जी। देखिए कितना मस्त पिसा गया है दोस्तों। चलिए चटनी फाइनली गीता जी उठा ली, और इसमें अभी तड़का मारेंगे दोस्तों। और इधर देखिए चावल भी हो चला है दोस्तों, देख लीजिए जी चावल को। और देखिए इतना मस्त एकदम खीरा की चटनी तैयार हो गया है, तो अभी इसे तड़का लगाएंगे दोस्तों। चावल हो गया, चावल अभी नहीं हुआ है दोस्तों, कलछुल गर्म होने के लिए दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कलछुल गर्म हो गया, तो चलिए इसमें तेल दे रही है दोस्तों। चलिए चूल्हे में दे रही है, गरम होगा, इसके बाद मर्चा और जीरा देंगे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया, और चलिए देते हैं मर्चा और जीरा दोस्तों। चलिए इसे जला लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए खीरे में छौंक लगा ले रहे हैं दोस्तों, कितना मस्त एकदम। तो चलिए खीरे के चटनी में छौंक लगा दिए दोस्तों। देखिए भात बन गया, हो गया। चलिए भात को ही पसाते हैं दोस्तों, इसके बाद खाना खाएंगे, और दवा भी खाना है दोस्तों हमें। और देखिए भात को पसा ले रही है मार दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, खीरा की चटनी में भात बन गया, तो चलिए चावल निकाल ले रही है गीता जी दोस्तों। और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक दोस्तों रात को, और ये देखिए दवा भी लिए हैं, तो चलिए खाना खा लेते हैं, खीरे की चटनी भात दोस्तों, इसके बाद दवा खाएंगे। तो चलिए जी चटनी बाटिए। और ये देखिए दोस्तों, खीरा की चटनी और भात लग गया, तो चलिए हम टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं दोस्तों। और ये देखिए खीरा की चटनी भात, तो दोस्तों आप सभी भी आइएगा खाने के लिए और खा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए हम खीरा की चटनी और भात खा लेते हैं। बहुत ही मस्त बना है दोस्तों, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग खाना पीना खा लिए, चलिए दवा लीजिए जी, चल के दीजिए, दवा खा लेते हैं दोस्तों। दवा खा लिए दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए हम वीडियो के यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।